मामा देखो तुम जानते हो कि मैं मजबूर हूँ, मैंने इनकी कंठाई की अलावा की थी। हाँ लेकिन तुम्हारा इस घर के प्रति कोई फर्ज तो है ना, तुम्हारी माँ बुरी हो चली है, क्या तुम चाहते हो कि पोते का मुंह देखने की हसरत लिए मर जाए? तो सोचो ना भान जी। मामू मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मामू कल तक तुम अपने दुश्मन से मजबूत थे लेकिन आज कम हो। अच्छा हाँ, सिर्फ लड़का पैदा कर देने से मैं कम हो गया? साले मैं अभी जाके एक रपटा और धर्म माना उसकी बत्ती सीधी कराएगी। बच्चा पैदा करने से कैसे आगे निकल गया ये? कब तक, जब तक तुम जवान हो कभी तक ना, जब तुम बूढ़े हो जाओ उसका बेटा जवान हो जाएगा फिर कौन मुकाबला करेगा? कल उसका पोता जवान हो जाएगा तब क्या तुम जिंदा रहोगे ये सब देखने के लिए? और तुम्हारे खानदान का बखान कौन करेगा? छह पुश्तों से जीतते रहने वाले इस खानदान को तुम हरा रहे हो। इस खानदान के लायक सपूत हैं तुम नलायक, तुम कुल डोबन हो जाए। नहीं मामू बस और ऐसा सम्मत कहो, मैं नहीं तो मेरा दिमाग खराब। तुम सही हो, तुम धोबी हो, तुम कचड़े हो जाए। मामू मैं बस करो ऐसा मत कहो, भगवान कसम दिला रहा हूँ तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ कहीं। मामू हनुमान जी की कंठी की सौगंध, जब तक इस साले दुश्मन के जितने बच्चे होंगे ना उससे दो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करूंगा तब तक हनुमान स्वामी मेरी रक्षा नहीं करेंगे। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, मेरे कमर में छींक गए भांजे। सबके सामने लंगोट मत उतार देना जोश में आकर के, नहीं और आपको बेडरूम में उतारने वाला है। भांजे जी हां जी हां जी, अब जाता हूं जरा सुहर गाने वगैरह तो ठीक कर दूं है ना। ओ भांजे तेरे लगोगे।